My name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I am going to take CBSC class 11 and from your Hornbill book I am going to take second chapter, We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते जब अगर हम सभी साथ हैं. So in this chapter I am going to teach you explanation of the chapter. Summary of the chapter. So without wasting time, let's start. So the chapter on from the Hornbill book, we are not afraid to die if we can all be together. So this is the second chapter of your prose section Hornbill. And who has written all this? The Gordon Cook and Alan East. So before we are going to start this chapter, I would like to tell you about the chapter. That this composition gives an account of dangerous yet beautiful sea undertaken by the writer, his wife and his two children in boat named Wave Walker. So ये जो chapter है, जो composition है, उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे जो इन्होंने जो है एक सी ट्रैवलिंग जो है वोयाज लिया है जिसमें जो है बहुत सारे जिसका नेम है वेव वॉकर. एक नाव जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूबसूरत जो है जर्नी के बारे में बताता है. बहुत सारी परेशानियों के बाद भी ये जो है इंडियन ओशियन पर जो है एक तूफान पार करते हुए एक छोटे से जो आइलैंड होता है आइल एम्स्टर्डम पर पहुँच जाते हैं. सो ये जो स्टोरी है ऑल अबाउट नेचर के अकॉर्डिंग है कि नेचर इनके जो है सामने बहुत सारे तूफान लाता है लेकिन ये फिर भी इंसान की जो हिम्मत होती है वो आखिर जीत हासिल करवा देती है. सो ये चैप्टर है एक सी जो है ट्रेवलिंग की है. सो देखते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या नेचुरल जो है डिजास्टर्स आता है और किस तरीके से ऑथर जो है अपनी फैमिली के साथ इस जर्नी को कम्प्लीट करता है विद फुल कॉन्फिडेंस. सो लेट्स स्टार्ट. इन जुलाई 1976 My wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of this famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. So 1976, अभी जो जर्नी है ये जो है कहा गया है कि जो 200 साल पहले आपने देखा होगा जो 200 साल पहले जो है कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाया था. तो ये कह रहा है मैंने भी जो है अपनी जर्नी के लिए स्पेशली जो 1976 में मैं अपनी वाइफ जो इनकी वाइफ है मेरी सन जो इनका बेटा है जॉनथन जो 6 ईयर का है डॉटर सुजैन जो 7 ईयर्स की है हम लोगों ने जो है डुप्लीकेट जो है मतलब फर्स्ट जो था जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था पूरी दुनिया का जो है समुद्री यात्रा को जो दोहराने के लिए मैं मेरी वाइफ मेरा बच्चा और बच्ची जो है जुलाई 1976 में जो है उन्होंने उसे वापस दोहराने की कोशिश की जो प्लायमाउथ से जो है समुद्री यात्रा करते हुए निकल पड़े. मैं एक जो है 37 इयर्स का जो है बिजनेसमैन हूँ ठीक है इसने कहा है. और मेरी ने जो है लंबे समय से मतलब इसकी जो वाइफ है मेरी उसने जो है लंबे वक्त से जो है इसके बारे में पूरा जो है फेमस जो चीज़ है वो जाने के लिए सपने सजो रखे थे. इसके अलावा जो है ठीक है सो काफ़ी पिछले 16 सालों से हमने अपने खाली वक्त को जो है जितने भी जो है 16 साल हो चुके हैं इन्होंने अपना लेज़र टाइम लेज़र मतलब जो खाली टाइम होता है उन्होंने जो है अपने इस खाली टाइम को जो है ब्रिटिश समुद्र में अपनी समुद्री यात्रा जो है उसको जो है डेवलप करने के लिए ब्रिटिश वाटर में जो है करने के लिए किया था. सो ओनिंग का मतलब होता है शार्प करना या तेज़ करना होता है. जिस तरीके से आप स्किल्स वगैरह होती है कुछ चीज़ नहीं जानते हैं तो आप स्किल्स जो अपनी परफेक्ट करते हैं उसे कहते हैं होनिंग. होनिंग का मतलब होता है शार्प करना या फिर तेज़ करना. शिप फेयरिंग मतलब चतुराई के साथ जो स्किल्स होती है. ऑल ओवर अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ हासिल करते हैं या कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने आप को उस स्किल्स के लिए लायक बनाते हैं एक्सपर्ट बनते हैं कुछ सीखते हैं. तो ये जब जो है समुद्री यात्रा के लिए जा रहे हैं
पूरे वर्ल्ड का चक्कर निकालने के लिए। तो हकीकत बात है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हुए तो पानी के जो वर्ल्ड का जो चक्कर है आखिर कैसे लगाएंगे। आवर बोट वे वॉकर 23 meters, 30-ton वुडन हर्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। सो जो वेव वॉकर है, जो हमारी बोट है, वो एक लकड़ी के पैंदे वाली है, ठीक है। वुडन मतलब जो लकड़ी का पैंदा, होल्ड मतलब पैंदे वाली जो है, कितनी 23 meters की और 30 ton की जो है वो नमूने के हिसाब से जो है वेव वॉकर को अच्छी तरीके से प्रोफेशनली बनाया गया है, मतलब कुशलता पूर्वक जो है प्रोफेशनली बनाया गया है। और हमने इसमें कई सारे मंथ जो है खराब से खराब मौसम में जो है हम कई टाइम जो है इसमें बिता चुके हैं, मतलब कि इसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो है जितना भी खराब मौसम हो जाए, रफेश मैदर वेदर का मीन्स बहुत ज़्यादा जो खराब मौसम हो जाता है तो ये उसमें भी रह सके। तो हम लोगों ने जो है इसमें जो है मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए जो है इसको क्या रफेश वेदर के हम जो है रख चुके हैं, कई महीनों बिता चुके थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लांट 3 years जो कहा गया है, तो यहाँ पर जो है 1,05,000 जो किलोमीटर्स है जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू कैप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विर्जिल एंड स्विस हर्ब सीजलर टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। सो फर्स्ट जो था हमारा, जो सबसे पहला जो प्लान था, ठीक है, सबसे पहले वो 3 साल का जो, ठीक है, हमारी जो प्लानिंग थी 3 साल, और जो है 1,05,000 जो लंबी यात्रा का सबसे पहला जो है जर्नी थी, ठीक है। जो इसने कहा है कि भाई शुरुआत में जो है सबसे अच्छी अगर शुरुआत की जाए कि भाई हम किस तरीके से जो है जा सकते हैं, तो सबसे पहली शुरुआत इनकी जो 3 सालों की थी, प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग 1,05,000 किलोमीटर जर्नी जो है प्लीजेंटली अच्छी से जो है वेस्ट कोस्ट तक इन लोगों की हो गई, ठीक है, किनारे होते वो कैपटाउन तक पहुंच गए। उसके बाद अफ्रीका से होते कैपटाउन पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने जो है सुहावने ढंग से जब कंप्लीट हो गई तो वो जो है आगे बढ़ने से पहले दुनिया के सबसे ख़राब जो वेदर था, ठीक है, जिसमें जो है सबसे जो ख़राब जो था साउथर्न इंडियन ओशियन, वहाँ पर जो है जाने के लिए हमने जो है 2 जो क्रूमैन थे मतलब जो नाविक थे उन लोगों की जो है इन्होंने मदद ली, जिसमें अमेरिकन लैरिल वर्जिल थे और स्विस हर सीजलर थे। तो इन दोनों की जो है इन्होंने जो है सिगलर एक तो लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के जो है हर सिगलर की जो है मदद ली, क्योंकि ये जो है जब साउथ इंडियन ओशियन के अंदर जब जा रहे थे जिसका सबसे ज़्यादा जो है खराब, दुनिया के सबसे खराब सागर जो है माना जाता है, तो वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने इन 2 crewmen का सहारा लिया। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. हमारा जो second day था Cape Town से निकलने के बाद, दूसरे दिन हमें जो है बहुत तेजी के साथ जो है हवाओं का जो है स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स मीन्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं होती है। सो बहुत ज़्यादा हमें जब सेकेंड डे था हमारा केप टाउन की तरफ, तो उसकी तरफ जो है जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही थी, और कुछ ही हफ्तों तक, ऐसा नहीं है कि वो कुछ पल के लिए था, अगले कुछ नेक्स्ट वीक तक वो जो है मतलब लगातार ऐसे ही हवाएं चलती रही, बिल्कुल कंटिन्यूसली हवाएं। लेकिन मुझे हवाओं की टेंशन नहीं थी, सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज की जो वेव्स जो थी, लहरें जो थी वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। अलार्मिंग का मतलब यहाँ चौंकाने से है। सो जो उनकी अलार्मिंग जो थी, जो वेव्स जो थी वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी, कम से कम जो है वो 15 meters जो है बड़ी वेव्स थी। सो उसकी जो साइज जो थी वो 15 meters थी, और इतनी ऊंची थी वो, इतनी बड़ी थी,
इतनी हाई थी जितना कि हमारा जो मेन मास्ट जो था, मास्ट मतलब मस्तूल जो नाव वगैरह के साथ जो लगाया जाता है, सो उस जितनी जो है हाई थी। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैपटाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रेस्पॉन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। सो 25 दिसंबर को जब उसने कहा है कि भाई जब बहुत ज़्यादा जो है, जब 25 दिसंबर को जब हम कैप टाउन से जो है 3,500 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ जो है पहुंच गए, तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कहा गया था कि मौसम जितना भी ख़राब था, एट्रोसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होना, तो इन सभी के बावजूद, डिस्पाइट का मीनिंग बावजूद, मतलब इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद उन्होंने जो है अपनी क्रिसमस ट्री के साथ अच्छी खासी हॉलीडे मनाई। न्यू ईयर के डे जो है कोई भी जो है मौसम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, मतलब अच्छा मौसम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग जो है उन्होंने अपने आप को समझाया कि मौसम जो है वो बहुत जल्दी बदलेगा, और मौसम बदला भी लेकिन ख़राब होने के लिए, मतलब मौसम जो है ख़राब से भी ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of wind and spray was painful to ears. To slow the boats down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a rope loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeless don, oil skins and life jackets and waited. जब 2 जनवरी का जो आया टाइम, जब 2 जनवरी को जब लहरें बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब बहुत ऊंची ऊंची जो लहरें थी, बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी जो है लहरें थी, और हम जो है सेलिंग कर रहे थे सिर्फ छोटे से स्मॉल जिप के साथ, स्ट्रॉन्ग जिप मतलब जो छोटे से पाल होते हैं जिसे हम त्रिपाल वगैरह कहते हैं, आपने सुना होगा, तो जो तूफानी जो त्रिपाल जो थे छोटे वाले, उनके साथ जो सफ़र कर रहे थे, और हम अभी भी जो है 8 knots की स्पीड, नॉट्स मतलब जो समुद्र की जो यात्रा करते हैं जिसकी स्पीड मापी जाती है वो नॉट्स में मापी जाती है, तो 8 knots की स्पीड से जो है वो चल रहे थे, तो उनका जहाज जो था, जो शिप था जो था, जैसे ही वो हर लहरों के ऊपर जो है चल रहा था, तो मानो जो है अनगिनत जिसे कहा जाता है बहुत ही गहरी जो है बड़ी बड़ी लहरें जो है उनकी तरफ आती हुई लग रही थी, मानो कि ऐसा लग रहा था कि जो है उनकी तरफ जो है लहरें वो उमड़ रही है, रोलिंग टुवर्ड मतलब उमड़ना, बहुत ज़्यादा जो है वो लहरें उनकी तरफ उमड़ रही थी, और हवाओं जो है वो उनके कानों में जो है वो क्या कर रही थी, साए साए कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रे जब करती है, मतलब जब हवाओं की आवाज़ जो तूफ़ानी जो हवाएं चलती है, तो बहुत ज़्यादा जो वो हवाएं थी वो साए साए करके उनकी जो बौछारें थी, स्प्रे जो था मतलब बौछारें उनकी हवाओं की लहरों के साथ जो है वो उनके कानों को दुख दे रही थी। और शिप की जो है स्पीड को धीरे करने के लिए उन्होंने अपनी बोर्ड को जो है धीरे करने के लिए जो स्टॉर्म जीप वो जो लेके आए थे तूफान में काम आने वाले जो है पाल को जो है उन्होंने गिरा दिया स्टॉर्म जीप को, और बहुत जो है नाव के जो दुम्बाल होता है, दुम्बाल जिसे कहता है लेस्ट ए हैवी मूरिंग, मूरिंग रॉक मतलब जो आपने देखा होगा रस्सी जो बांधी जाती है लंगर के साथ बांधी जाने वाली जो रस्सी होती है उसे कहते हैं मूरिंग रॉक लूप मतलब फंदा, तो फंदा बनाकर जो स्टर्न मतलब जहाज का पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है, तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको जो है बांध लिया उस रस्से से मतलब स्पीड धीरे करने के लिए, उसके बाद उन्होंने है जो है डबल लेस्ट के साथ जो है उसको तैयार किया, डबल लेस्ट का मतलब उसे बांध दिया बहुत जल्दी ताकि वो जो है स्पीड धीरे हो जाए, लेस्ट का मतलब बांधना होता है, तो उन्होंने उसको जो है बांध दिया। इसके बाद जो है लाइफ राफ्ट मतलब जीवन रक्षक नाव जिसे कहते हैं, जो आपने देखा होगा बेड़ा या तख्ता जिसे कहा जाता है, उससे जो है उन्होंने इसे जोड़ दिया। इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो है सब चीज़ों को दोबारा बांध दिया। इसके बाद जो है काम आने वाले ही उन्होंने जो है जो ट्राई कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जब हम मुसीबत में होते हैं तो लाइफ जैकेट की तरह जो काम आता है, लाइफ जैकेट वगैरह है, लाइफ लाइन्स वगैरह है, सो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया बहुत जल्दी जो है, लाइफ लाइन मतलब बहुत ज़्यादा जो रस्सी, यहाँ लाइफ लाइन का मतलब जो डूबने के लिए जब हम बसते हैं तो उस रस्सी का जो यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है, और डॉन का मतलब पहन लिया। तो ऑयली स्किन्स जो है, ऑयली स्किन मतलब वाटर प्रूफ जो कपड़े होते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े और लाइफ जैकेट उन्होंने पहन लिया और वेट करने लग गए। तो जैसे अगर हमें पता होता है हम डूबने वाले होते हैं तो हम जो तैयारी करते हैं, उन्होंने सारी लाइफ जैकेट वगैरह है, वाटर प्रूफ जो कपड़े वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है कर ली। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनीमियस साइलेंस। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप विद हॉरर एंड आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैस्ट। उसके बाद जो अगर कहा जाए सो फर्स्ट जो इंडिकेशन आया, जो संकेत आया था वो लमसम 6 बजे के आया था। इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब बहुत खतरनाक जो अशुभ संकेत जो था वो आया शाम के 6 बजे और बिल्कुल साइलेंस के साथ, मतलब खामोशी के साथ जो है आया। जैसे अक्सर कहा जाता है कि खामोशी के बाद जो है एक तूफ़ान आता है या तूफ़ान के बाद जो खामोशी छा जाती है, तो फिलहाल यहाँ पर तूफ़ान आने से पहले की खामोशी है। तो जो उन लोगों के लिए जो डिजास्टर आया, वो संकेत जो आया वो शाम के 6 बजे आया, जब हवाएं जो है बिल्कुल धीरे पड़ गई थी। ड्रॉप मतलब गिरना, हल्की होना, तो हवाएं बहुत जो है हल्की हो गई थी और जो आसमान जो था, स्काई जो था, वो पूरा अंधेरा मतलब डार्क हो गया था। और वो जो है फिर अचानक जो है गरजने की आवाज़ आई, ग्रोइंग रोर मतलब आपने देखा होगा अक्सर जब बारिश का मौसम होता है बहुत ज़्यादा हवाएं तेज चलती है तो बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, तो वो जो है थोड़ी देर बाद जो है गड़गड़ाहट आना शुरू हो गई और एक बड़ा सा बादल जो है टावर्ड आफ्ट का मतलब होता है ऊपर आ गया, शिप के ऊपर आ गया। और बहुत ज़्यादा डर के साथ मैंने फील किया कि वो क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था, बल्कि इतनी बड़ी लहर थी जिसे शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और वो बिल्कुल जो है परफेक्टली ऊपर की तरफ खड़ी थी वर्टिकल में, और मैंने जो है वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी हाइट थी, डबल हाइट की थी जितनी शायद अदर वेव जो थी, और वो बिल्कुल जो है हमें क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा डरा रही थी, बहुत ज़्यादा जो है टकराने वाले शिखर वाली जो है दूसरी लहरों से वो बड़ी थी। क्रेस्ट मतलब शिखर जो होता है जहाज़ का शिखर, लहर का जो शिखर होता है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील and I was aware of lying overboard and sinking below the waves. I accepted by the approaching that, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. So बहुत ज़्यादा जब लहरों के साथ जो कहा, जब जहाज का पिछला हिस्सा जो कहा गया स्टर्न मतलब जो जहाज का पिछला हिस्सा होता है, तो जहाज का जो पिछला हिस्सा जो था, जब उसने जो है देखा कि जब जहाज का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से पर जो है वो उछला, ठीक है, जो लहर जो थी लहर के अगले हिस्से पर जो है उछला, तो बहुत तेज़ी के साथ जो है क्या हो गई, गड़गड़ाहट हो गई। जब बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट हो गई तो उसी पल मैंने सोचा कि मैं जो है क्या करूँगा, जब लहर आके गिरेगी, ठीक है, तो मैं जो है क्या हो जाऊँगा, उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो उसके बाद बड़ी सी लहर जो है धमाके के साथ जो है उसने डेक को हिला दिया। डेक मतलब जो शिप का हिस्सा जो होता है, शिप मतलब हिलाना। तो उसने क्या किया, और एक ही पल में मैंने सोचा कि मैं लहर के ऊपर जो है चढ़ जाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्त धमाके के साथ जो है जो
धमाका हुआ, मतलब जब लहर आके जो जहाज के ऊपर गिरी तो बहुत तेजी के साथ जो धमाका हुआ तो उसने क्या किया, छत को हिला डाला, जो जहाज की छत थी उसको हिला डाला। और तेज जो पानी जो था, टेड टोरेंट ऑफ ग्रीन, मतलब बहुत तेजी की धारा की जो होती है, जब वेव्स गिरती है तो अचानक तेजी के साथ जो आता है पानी, तो वो जो है ए टोरेंट ऑफ, टोरेंट मतलब जो बात की जाए बहुत तेज धारा जिसे कहते हैं, तो तेज धारा के साथ जो है ग्रीन और व्हाइट वाटर जो है शिप के ऊपर आ गया। मेरा जो सिर है वो टकरा गया व्हील से, जो वहाँ पर व्हील जो था, जैसे हम जिसे कहते हैं जिससे नाव चला करती है, तो उससे जो है वो टकरा गया। और मैं जो है बिल्कुल ये फील कर रहा था, जब पानी जो है ग्रीन और हरा पानी जो है जहाज के ऊपर बिखर गया, मेरा सिर जब व्हील से टकराया, मुझे जहाज से गिरने और जो है लहरों पर जो है डूबने का एहसास हो रहा था, सिंकिंग मतलब डूबना। तो ये जो लहरों जब उसके आगे गिरी, उस व्हील के से उसका सिर टकरा गया, जब वो पानी के अंदर डूब रहा था तो उसे फील हो रहा था, और मैं समझ गया था, मतलब मैंने फील किया कि मैंने अब मैं मतलब मरने वाला हूँ, मैंने मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ। और मेरी जो सुकून जो था, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कंसाइंसनेस का मतलब होता है जब हम अवेयर रहते हैं किसी चीज़ को सही गलत, या हम किसी चीज़ को जान पाते हैं, चेतना जिसे कहते हैं, माइंड एक्टिव होना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा माइंड जो है इनएक्टिव हो रहा है, एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं जो है अपने आप में मैंने क्या फील किया, पीसफुली शांति फील की अपने आप में। अनएक्सपेक्टेडली My head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked. My mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. So unexpectedly, मेरा जो है मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे जो है, unexpectedly मेरा सिर जो है वो क्या गया, पानी के बाहर आ गया, popped out मतलब बाहर आ गया। जैसा अक्सर देखा होगा आपने, जब कोई भी चीज़ जैसे तैरती हुई अचानक ऊपर आ जाती है उस तरीके से, तो उसका सिर जो है पॉप डाउन मतलब बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया। और कुछ ही मीटर पर, कुछ ही मीटर दूर जो है मतलब वेव वॉकर जो शिप जो था वो डूबने वाला था, कैप्साइजिंग मतलब जो है यहाँ पर नियर कैप्साइजिंग मतलब पलटने ही वाला था, कैप्साइजिंग मतलब पलटने वाला ही था। और उसके जो मास्ट थे, जो मस्तूल जो थे, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गए थे, मतलब समुद्र की सतह के बराबर हो गए थे। और उसके बाद जो है फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर जो है क्या कर दिया, सीधा कर दिया, हर्ल्ड मतलब धक्का दिया उसे बिल्कुल, और उसे सीधा कर दिया। मेरी जो लाइफ लाइन जग जो थी, ठीक है, लाइफ लाइन जग का मतलब जो आपने देखा होगा एकदम कस गई थी, तन गई थी जिसे कहता जाए, जगड़ा और टॉन्ट मतलब वो बिल्कुल कस गई थी। और उसके बाद जो है ग्रेब द रेल्स, ग्रेब द रेल्स का मतलब होता है पकड़ ली, रेलिंग को जो है उसने पकड़ ली, ग्रेब मतलब पकड़ना, तो ग्रेब जो है उसने उस रेलिंग को जो है पकड़ लिया, और उसने जो है सेल करना शुरू किया हवा में, बिल्कुल वेव वॉकर ने, जो मैंने जो है जो कहा जाता है जो सेफ्टी जो देता है उस तरीके से रेलिंग पकड़ ली। हवा में तैरता हुआ वेव आकर मुख्य जो है मतलब मेन जो है वो लट्ठे से डर टकराया, वो मतलब लट्ठे से जो है टकरा गया। और वो जो अगली लहरें जो थी मुझे छत के पार जो है पुराने कपड़े की गुड़िया की तरह जो है वो रोमिंग करती हुई लेकर चली गई, रैग डॉल मतलब जो पुरानी जो डोल्स वगैरह होती है कटी फटी कपड़ों से बनी हुई, तो वो जो है मतलब टॉस करती हुई घुमाती हुई लहरें उसको जो है एक डोल की तरह लुढ़काती रही। मेरी जो है लेफ्ट रिब्स मतलब पसलियाँ जो है वो टूट गई थी, मेरा मुँह पूरा ब्लड से भर गया था और मेरे दांत टूट गए थे। किसी तरीके से भी मैंने अपने आप को जो है क्या किया, मैंने जो है बैलेंस जो है व्हील जो है मुझे मिल गया, जैसे तैसे मैंने जो है वो व्हील मिल गया और मैंने जो है लाइंड अप किया, और अगली लहर के लिए जो है मैं उसके लिए चिपका रहा। हंग ऑन मतलब चिपकना, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं एक और तूफान आने वाला होता है तो हमारे हाथ में जो कुछ भी होता है हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि एक और लहर आ रही है, तो उसने व्हील को उस बैलेंस करते हुए पकड़ लिया ताकि वो ना गिरे।
वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली. सो पानी ही पानी सब जगह जो है पानी ही पानी था. मुझे फील हो रहा था ठीक है मुझे फील हो रहा था बहुत ज़्यादा कि जो है शिप में जो है नीचे पानी था, लेकिन ये सब देखने के लिए जो है मेरे पास हिम्मत नहीं थी. अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट ठीक है. सो अबेंडन का मतलब होता है जब अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ना, अबेंडन मतलब छोड़ना, आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी व्हील को छोड़ने की ताकि आप आगे जाके इन्वेस्टिगेट करें कि मतलब सही है क्या क्या गलत है ठीक है. क्योंकि अक्सर आप ऐसी कंडीशन में होते हो तो आपको बड़ा सा डर लगता है कि भाई अगर मैंने इस व्हील को छोड़ दिया तो आगे मेरी क्या कंडीशन होने वाली है. द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर वी आर सिंकिंग सी स्क्रीम्ड द डेक आर स्मैश्ड वी आर फुल ऑफ वाटर. आगे वाला जो हिस्सा जो था मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस जो है बैलेंस को छोड़ूं. अचानक सामने वाला दरवाज़ा खुला हैच द थ्रोन ओपन मतलब सामने वाला जो दरवाज़ा था वो जो है ओपन हुआ. हैच का मतलब होता है जहाज का जो हिस्सा होता है डोर जो होता है आपने देखा होगा जहाज के डेक का दरवाज़ा ठीक है जो है स्मैश मतलब टूट गए थे बिल्कुल. और वो कह रही थी मेरी जो है सामने से आई और उसने बोला हम डूब रहे हैं. वो तेज़ी से चिल्लाई और जो डेक जो था वो बिल्कुल टूट गया था और वहाँ पर जो है ये कह रही है सिर्फ और सिर्फ क्या था पानी ही पानी था. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. अभी कह रही है कि मैं जो है मैंने उसे कहा क्या कहा हम डूब रहे हैं. वो चिल्लाई डेक टूट गए सब जगह पानी है. दरवाजे की ओर चढ़ने की कोशिश कर दी हम डूब रहे हैं ठीक है. मैंने चिल्लाया कि भाई हम आगे वाले जो दरवाजे वगैरह हैं उनमें जो है करने की कोशिश कर रहे हैं. स्क्रैम्बल मतलब चढ़ने की कोशिश करना आगे वाला जो डेक है दरवाज़ा है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम डूब रहे हैं. लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ग्ड इनवर्ड क्लोज क्रोकरी चार्स स्टेन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side best open, we were talking on deck with the starboard side based open we were talking water with each waves that broke over us. If I could not make some repairs we would surely sink. अब जो लैरी और जो हर्ब जो थे वो दोनों ही जो है पागलों की तरह जो है पानी निकाल रहे थे ठीक है. क्योंकि लैरी और हब जो उनके दो क्रूमैन जो थे उनका टारगेट क्या था कि अगर ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो उन्हें क्या करना है उन्हें जो है बचाने का काम करना है. तो लैरी और हब जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह पंपिंग मतलब पानी को जो है वो बाहर निकाल रहे थे. और ये टूटी हुई लकड़ियाँ जो है टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी मैंने चिल्ला कर कहा बहुत तेज़ी के साथ टिम्बर वाला लड़की लकड़ियाँ जो होती है टूटी हुई लकड़ियाँ जो टंग रही है बिल्कुल क्रेजी एंगल्स की तरह. तो मैंने जो है क्या कहा उन्हें बेतरतीब तरीके से जो है मैंने चिल्ला कर कहा व्हील संभालो. लेरी है पागलों की तरह जो है वो क्या कर रहे थे पानी निकाल रहे थे और पूरा जो स्टारबोर्ड जो साइड जो था स्टारबोर्ड मतलब जो पूरा जो कैबिन वगैरह था और उनका जो पूरा जो राइट साइड वाला भाग था वो पूरा फूल गया था. तो उसमें क्या हो गया था पूरा बर्ड इनवर्ड मतलब पंपिंग जो कर रहे थे स्टारबोर्ड स्टारबोर्ड मतलब जहाज का जो राइट साइड का जो होता है उसे कहा जाता है बल्ज. बल्ज मतलब अंदर की तरफ से वो पूरा फूल गया था. जैसे अक्सर पानी के जो लकड़ी जो होती है वो पानी में जब डूब जाती है ऊपर का हिस्सा तो वो फूल जाता है. तो यहाँ पर जो है अंदर का जो हिस्सा जो था स्टारबोर्ड का वो पूरा पूरा मतलब जहाज का जो हिस्सा जो था वो पूरा फूल गया था अंदर की तरफ. तो कपड़े क्रॉकरी जार स्टीन्स डिब्बे वगैरह खेल वगैरह जो भी टॉयज वगैरह थे वो सारे के सारे जो है क्या हो रहे थे बिखर गए थे.
खिलौने वगैरह पानी में शोर करते हुए जो है बिखर रहे थे, क्योंकि जब पानी उसके अंदर आ गया था जहाज के अंदर, तो वो जो है गहरे पानी में डूबना शुरू हो गए। मैंने जो है आधा तेरा और आधा रेंगता हुआ जो है बच्चों के कैबिन में गया और मैंने पूछा, क्या तुम सभी ठीक हो? मैंने कहा, उन्होंने कहा यस, और उन्होंने उत्तर दिया, जब वो जो है अपर बंक जो है ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है और जो है किया, मतलब ऊपर की जो सीट होती है उन्होंने वहाँ पर बैठकर जवाब दिया, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा जो है क्या है प्रॉब्लम है, मतलब उसके सिर में थोड़ा सा लगा था। सू ने कहा, जो उसकी बेटी है, उसने कहा मेरे सिर में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी लगी है। तो उसने जो है इशारा करते हुए कहा, जब उसकी आँख के ऊपर जो है एक बम्प, मतलब जिसे हम कहते हैं ना फूल जाता है जब लग जाती है अचानक हमारे, तो उसके जो है सिर पर एक बहुत ज़्यादा जो है मतलब फूल गया था उसका आँख के ऊपर वाला हिस्सा। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके जो है हेड के जो बम्स है उस पर जो है बात करूँ। इसके बाद मैंने जो है क्या किया, मैं हथौड़ा पेच और मोटा कपड़ा लेने के बाद मैंने डेक पर आने के लिए जो है ट्राई किया। सबसे पहले हैमर, फिर स्क्रूज और कैनवास, जो मोटा सा कपड़ा होता है उसको मैंने जो है ढूंढा। फिर मैंने स्ट्रगल किया वापस से डेक में आने के लिए। उसके बाद स्टार पॉइंट साइड की जो है मैंने बेस को जो है ओपन किया। हमने जो है टकराने वाली हर लहर के साथ पानी जो है अंदर आ रहा था। अगर मैंने जो है अगर मरम्मत नहीं की तो क्या होगा, जहाँ कहीं भी हम जो है डिस्कस कर रहे थे, बात की हमने कि भई ये जहाँ से भी जो लहर आ रही थी, जहाँ से उन्होंने हमें तोड़ा है, मतलब जहाँ से भी शिप का हिस्सा जो टूटा है वहाँ से चारों तरफ जो है पानी आ रहा था, अगर हमने इसे रिपेयर नहीं किया तो श्योर है कि हम लोग डूबेंगे। क्योंकि अगर कहा जाता है जहाज के डूबने के लिए क्या होता है, एक छेद ही बहुत होता है, तो यहाँ पर तो लहरों ने पूरा ही जो है क्या कर दिया है, जहाज को तोड़ रखा है। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ से लहरों ने तोड़ा है इन्हें, वहाँ से अगर नहीं जोड़ा, मरम्मत नहीं की, तो डेफिनेटली है कि वो जहाज़ डूब जाएगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. The water level rose threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the Forestay, sail, the Jeep, the Dignities, the Diggins and the main anchor. So, किसी तरीके से भी जो है मैंने क्या किया, मैंने जैसे जैसे जो है कैनवास को जो है फैला दिया, स्ट्रेच मतलब फैलाना, उस कैनवास को फैला दिया, और जो भी वो जो होल्स थे वाटर के, जो होल्स थे आगे वाले हिस्से के जो डोर्स के, वहाँ पर जो है जहाँ पर भी जो मतलब कवर जो होता है वाटर प्रूफ जो हैज था, उस कवर को जो है जो होल वगैरह थे उस पर ढक दिया, ठीक है, मजबूती से लगा सका। नीचे कुछ पानी जो है क्या होता रहा, कंटिन्यूसली बहता रहा, स्ट्रीम मतलब बहना, तो नीचे कुछ पानी जो है बह रहा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ज़्यादातर पानी अब साइड के ऊपर से टकरा कर जो है अपना क्या कर रहा था, वो पूरा का पूरा जो साइड से पानी जो आ रहा था वो टकरा कर अपनी साइड बदल रहा था। मेन प्रॉब्लम जो थी, ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी तब सामने आई जब हमारा हेड जो हेड पंप्स था, ठीक है, जो हमारा पंप्स जो थे वो ब्लॉक हो गए थे, केबिन के आसपास बिखरे मलबे से जो है वो क्या होने लगे, जो पंप्स जो थे वो रुकने शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब रुकने लग गए थे, जो इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। कहा जाता है जैसे अक्सर आपने देखा होगा अगर मलबा वगैरह या कुछ बिखरा हुआ होता है तो हम उसके जो चीज़ें होती है वो सारी के सारी पंप में जाना शुरू हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, केबिन में जितनी भी जो फ्लोटिंग चीज़ें थी, डेब्रिस मतलब बिखरी हुई जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी केबिन वगैरह के अंदर जो भी चीज़ें थी उसने उसको जो है इलेक्ट्रिक पंप को ख़राब कर दिया था। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिक पंप जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का जो लेवल था वो अभी भी डरावना था, उसका लेवल अभी भी उतना ही चढ़ा हुआ था। फिर मैंने जो है वापस से जो है डेक पर मैंने पाया कि हमारे जो स्पेशली हमारे पास दो स्पेशल अलग से जो है कहा गया है, डेक पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे पास जो है दो अलग से मतलब एक्स्ट्रा जो होता है स्पेयर, मतलब एक्स्ट्रा
जो है हैंडपम्प्स जो थे आगे आने वाले पाल थे, मतलब तिकोने पाल वगैरह भी थे, फॉरेस्ट्री टेल भी थे, ठीक है। सो उन्होंने जो है ये पाया कि भाई हमारे पास जो है क्या है, रेंज ओवरबोर्ड है, उसके साथ फॉरेस्ट्री सेल है, जीभ है और डिग्नीज है। सो इन्होंने जो है डोंगी और जो मेन लंगर है एंकर जो है साथ तोड़ मरोड़ कर जो है रख दिए थे। सो इन्होंने जो है, आपने देखा होगा अक्सर जो एंकर वगैरह होता है, एंकर मतलब लंगर डालना, जब हम कोई जहाज को रोकते हैं तो आपने देखा होगा बड़ा सा लंगर जो है उसमें डालते हैं। फॉरेस्टेड सेल मतलब सामने वाला जो पाल होता है, आगे वाला जो पाल होता है उसे कहा जाता है। जीप का मतलब होता है तिकोना पाल जो होता है। डिंगीज, डिंगीज का मतलब होता है छोटी छोटी, आपने देखा होगा जब बड़ा सा शिप होता है उसके साइड में छोटी छोटी सी जो है नाव रखी हुई होती है, डोंगिया जिसे कहते हैं, स्मॉल बोट्स भी कहते हैं। एंकर मतलब आपने देखा होगा एक मेटल का बहुत बड़ा पीस ऑफ होता है जिससे जो है जहाज अक्सर पानी में रुका करते हैं। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। द नाइट ड्रैग्स ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। We were getting no replies to our midday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. So, मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक जो है क्या है, एक और इलेक्ट्रिक पंप है, और मैंने जो है उसे एक बार के पाइप के साथ जोड़ दिया और शुक्र है कि वो जो है क्या कर रहा था, काम कर रहा था। उसके बाद पानी निकालने के जहाज और चलाने वाला रेडियो जो है मैंने जो है उससे कांटेक्ट करने के लिए जो है पूरी रात गुजार दी, ठीक है। पूरी रात वो जो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई रेडियो काम कर जाए, स्टीरिंग काम करने लग जाए, पंपिंग पूरे काम करने लग जाए। और सरप्राइजली ये बात है, हमारे जो भेजे गए रेडियो के जो भी मतलब सिग्नल थे कोई आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि दुनिया के जो है कहा जाए जो दुनिया के इस दूर से जो कोने में जो है, सरप्राइज नहीं था क्योंकि वो दुनिया के ऐसे कोने में बैठे थे बहुत ज़्यादा दूरी पर, तो वहाँ पर जो है मिलना बिल्कुल क्या था, इम्पॉसिबल था कि वहाँ पर जो है कोई इंसान जो है आप लोगों का क्या कर सकता है कि भाई वहाँ से जो है आपको हेल्प मिल सके। सो मे डे विल में जो होता है मे डे कॉल्स का मतलब होता है जब शिप जो होता है जब इमरजेंसी में हो जाता है, तो आपने देखा होगा जो शिप होता है अगर खतरे के काम आने वाला जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं जो भेजते हैं उसे कहा जाता है मे डे कॉल्स। सूज हैड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडन्ट मेड मोर और हर इंजरीज बिफोर दिस, She replied, "I didn't want to worry you when you were trying to save us all." तो सू जो थी, सू का सिर जो है बहुत ज़्यादा सूज गया था, सूजन आ गई थी, स्वेलन मतलब सूजन आना जो आता है, तो बहुत ज़्यादा जो है सूज गया था बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों के पास दो सूजे हुए जो है काले निशान हो गए थे, मतलब जब बहुत ज़्यादा गहरा निशान हो जाता है जख्म का तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी आंखों पर जो दो बड़े बड़े जो है निशान हो गए थे, और अब जो है उसने अपने आम पर गहरा जो है घाव भी दिखाया, उसके जो है बहुत जो है आम में भी एक बहुत ज़्यादा गहरा जख्म था उसने दिखाया। जब मैंने पूछा इससे पहले उसने अपने जो है घाव के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया, मैं आपको उस वक्त जो है परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline. And on checking, I found that nearly all the boats. So, जब morning 3 का दिन जो आया, अब उन्होंने जो है water level जो था, जब 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने जो है वाटर लेवल इतना कंट्रोल कर लिया था कि हम बारी बारी से जो है दो दो घंटे जो है क्या कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे। मतलब जब 3 जनवरी की सुबह हुई तो जब वो रेगुलरली जो पंपिंग चल रही थी इतना आ गया था कि वो कंट्रोल में था, तो अब दो दो घंटे आराम कर सकते थे रोटेशन वाइज और वो काम कर सकते थे। लेकिन हम अभी भी जो है
वाटर लेवल के नीचे अभी भी जबरदस्त जो था क्या था, लीकेज था। मतलब अभी भी जो है वाटर लाइन जो है वो चेकिंग पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी पानी का जो रिसाव जो था वो आ रहा था, जिसके जो है जांचने पर मैंने पाया। Main reframes were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section on the starboard hull except a few cupboard partitions. So, जब उसने investigate किया, तो उसने पाया कि बोर्ड का जो मेन जो बेस है, बोर्ड का जो रिब्स फ्रेम्स जो है, मेन जो मस्तूल है, मेन जो फिट है, तो आधार का जो ढांचा था उसमें लगी जो है मेन जो कील लगी हुई थी, वर्काकार जिसे कहा जाता है, पत्ती जो थी वो ध्वस्त हो चुकी, मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब उनके पास जो है अलमारी के अलावा जो कबर्ड जो थी, वो अलमारी का जो पार्टीशंस है, उस खानों के अलावा जो है अब उनके पास रुकने के लिए जो है राइट साइड के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब उसको रोकने के लिए अब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वे वॉकर वुडेंट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। वन ऑफ दैम आइल एम्स्टर्डम वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन पिकर्स ऑन द वास्ट ओशियन, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेट डेट सो वी कुड होइस आवर चांसेस वुड बी स्लिम इन डेट। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजिन आउट ऑफ एक्शन। सो वेव के हिट करने के बाद, लहर के टकराने के जो है 15 आवर्स तक जो है वो जिंदा रहे, लेकिन वेव वॉकर को जो है, जो उनका शिप जो था वेव वॉकर, अब वो जो है ऑस्ट्रेलिया पहुँचाने तक सही सलामत जो है वो नहीं रह सकता था। तो मैंने जो है चार्ट को चेक किया, कैलकुलेशन की, तो उसमें मैंने पाया कि दो जो है आइलैंड कुछ ही 100 किलोमीटर जो है इस साइड में आ रहे हैं, और उन्हीं में से हमारी जो उम्मीद थी वो थी आइल एम्स्टर्डम। सो उन लोगों की जो उम्मीद थी, जो दो छोटे से जो दो टापू जो थे, आइलैंड जो थे, जिसमें से एक था आइल एम्स्टर्डम जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस भी था, हमारी उम्मीद जो सिर्फ ये थी कि हम लोगों को जो है पिन पिक्स इन द वास्ट ओशियन, मतलब बड़े बड़े जो महासागर होते हैं उनके जो छोटी छोटी जो जगह होती है, इन छोटी जगहों पर पहुंचने की थी। लेकिन जब तक हवा, और जब तक जो है क्या कर सकते थे वो, जब तक हवा जो है उनके फेवर वाली नहीं थी, तो वो जो है मतलब जो उनकी फ्लैग जो थी होइस्ट, मतलब फहरा नहीं सकते थे, सेल को जो है वो फहरा नहीं सकते थे, और उनका जो चांस जो था हमारे वहाँ पहुँचने के आसार बहुत कम थे, क्योंकि अगर वो पाल लहरा लेते और जो कि हवा उनके फेवर में नहीं थी, तो वो वैसे भी डूब जाते। तो वहाँ जो है उनके पहुँचने के चांस बहुत ज़्यादा कम थे, और उनके पास जो ऑक्सिलरी इंजन, मतलब जो एक्स्ट्रा इंजन जो थे उनके पास, वो भी जो है क्या ख़राब हो गए थे, आउट ऑफ एक्शन हो गए थे, मतलब ख़राब हो गए थे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। Now we had only to keep back with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. So January 4th. जब 4 जनवरी को, जब 4 जनवरी का दिन आया, जब उन्होंने 36 आवर्स हो चुके थे कंटिन्यूसली पंपिंग करते, मतलब पानी को निकालते हुए उन्हें जो है 36 आवर्स हो रहे थे, तो उन्होंने जो है कुछ थोड़े से सेंटीमीटर पानी अब जो है क्या रह गया था नाव में, अब हमको सिर्फ जो है अभी भी अंदर आ रहे पानी को जो है, मतलब कंटिन्यूसली जो है जितनी गति जो है बनाई रखनी थी, मतलब जितना तेज़ पानी आ रहा है हमें अब उतनी ही स्पीड बनानी थी, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर ही अब पानी जो है रह चुका था, तो इसीलिए अब जितना भी अंदर पानी आ रहा था हमें उतनी ही मतलब स्पीड रखनी थी। अब धीरे आ रहा था तो धीरे ही जो है हमें रखनी थी। हम जो है मेन जो मास्ट जो था कोई पाल नहीं लगा सके, जो उनका मेन मास्ट जो था, वो जो सेल जो था वो बिल्कुल भी नहीं लगा सके, क्योंकि जो मास्ट का जो बैलेंस करने वाली रस्सियों पर दबाव पड़ने से जो है
जो मेन जहाज का जो है पेटा जो होता है वो क्या होगा, हिस्सा जो है टूट जाएगा जब अगर वो रखेगा। रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज, तो जो आगे वाला हिस्सा जो होता है जहाज का, अगर आगे वाला हिस्सा वो ऑलरेडी जो है डैमेज हो चुका है, अगर वो मस्टूल लगाएंगे तो वो हवा की लहरों से जो है बहुत ज़्यादा जो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और अलग हो जाता। हमने तिकाने काल को जो है ऊपर उठा लिया और उधर की ओर चल पड़े। उन्होंने जो है पूरा जो स्ट्रॉन्ग जीप जो था, मतलब तिकोना जो जीप तो था उसको उठा लिया और वहाँ चल पड़े जहाँ उन्होंने सोचा था कि दो आइलैंड हैं। मेरी ने जो है कुछ जो है सुना जो है कुछ कॉर्न वगैरह जो है खाना शुरू किया, हम लोगों को खिलाया, कॉर्न बीफ वगैरह है, क्रैकर बिस्किट वगैरह है और हमने खाया। ये मान सकते हो कि 2 दिन में हमने पहला वो खाना था जो हमने खाया था, क्योंकि 2 दिन से अब उन्होंने जो है खाना लिया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। 8:04 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रायरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। सो उसके बाद हमें ये जो राहत थी वो थोड़े वक्त के लिए ही मिली थी, मतलब शॉर्ट लिव राहत मिला, रेस्पायर मिला, थोड़ी राहत मिलना। जब वो 36 आवर से ज़्यादा परेशान थे, पंपिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, ज़िंदगी और मौत की जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तो थोड़ा बहुत उन्हें आराम हुआ, लेकिन ये जो आराम जो था वो थोड़े वक्त के लिए था। जब शाम के 4 बजे को हमारे पीछे एक और जो काला बादल था वो घिरना शुरू हो गया था, 1 घंटे के अंदर, विद इन आर जो 1 घंटे के अंदर जो है हवा जो है 40 knots, मतलब जो समुद्री जो स्पीड होती है 40 knots की हो गई और समुद्री जो लहरें जो थी वो बहुत ज़्यादा हायर होने लगी और वेदर जो है क्या हो गया, रात भर मौसम ख़राब होता रहा। फिर अचानक सुबह हमारी हालत जो है क्या हो गई, बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो गई, डेस्परेट मतलब उदासी वाली, निराशा छा गई, क्योंकि पूरी रात और दिन कम से कम इन्हें 3 दिन हो चुके हैं इस मौसम के अंदर और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुके हैं। वेर आई वेंट इन ऑन कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्ट, डेडी वी आर गोइंग टू डाई, आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डेडी वी वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यू मम्मी एंड सू एंड आई। सो जब मैंने जो है जब बच्चों को जो है मतलब बच्चों को हमेशा हम बड़े जो है सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को कम्फर्ट करने के लिए कि बेटा कुछ नहीं है सब ठीक है, सो ऐसा जब वो अपने बच्चों से पूछने के लिए अंदर गया तो जॉन ने पूछा क्या डैडी हम मरने वाले हैं। मैंने उसे जो है यकीन दिलाने की जो है कोशिश की कि हम जो है क्या है बच जाएंगे, डेफिनेटली हम बच जाएंगे, अगर जो है मतलब हम इस हालात से जो है बच लेंगे। लेकिन फादर उसने अपनी बात जारी रखी, अगर हम सब साथ रहे तो हमें जो है मरने का बिल्कुल भी क्या नहीं है, डर नहीं है, जैसे कि आप मम्मी सू और आए। तो उसके बेटे ने कहना कंटिन्यू रखा कि हम मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते अगर हम चारों ही साथ हैं, मतलब पूरी फैमिली अगर साथ है, मर भी जाए तो कोई बात नहीं है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weakened starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 liter plastic barrels of paraffin. So ab main jo hai, जाहिर सी बात है जब आप बच्चों से अगर जाते हो, अगर बड़े ही हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। तो मेरे पास उसके पास जवाब देने के लिए जो है कुछ भी आंसर नहीं था, मतलब रेस्पॉन्ड ही नहीं किया उसने, उस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास वो बात जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। और मैं बच्चों का जो है केबिन छोड़ दिया, मैंने उस वक्त जितनी भी मेरे पास जो चीज़ें थी, ठीक है, ये लड़ने के लिए कि मेरे पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं ज़रूर जो है समुद्र से जो है लड़ूंगा, सी से लड़ूंगा, डिटरमाइन होऊंगा कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकलना है। और मैंने ये सब चीज़ ट्राई किया कि मैं समुद्र से बिल्कुल लड़ने के लिए जो है तैयार रहूँगा, जो कुछ भी मेरे पास है। तो उसने जो है समुद्र से लड़ने के पक्के इरादे के साथ उस केबिन को छोड़ा।
उसके बाद कमज़ोर पड़ चुकी जो है राइट साइड की जो है उसे सेव करने के लिए मैंने हवा के अगेंस्ट जो है जहाज को चलाकर, मतलब अब उसने जो है सोच लिया जो कुछ भी है मेरे पास, तो उसने जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टारबोर्ड का जो राइट साइड होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, तो उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि जो अनडैमेज पार्ट है उसके अगेंस्ट, मतलब हवा के अगेंस्ट जो है उसने जो है दिशा में जो है जहाज को चलाया, जिससे हवा के पालों को जो है पीछे की ओर धकेल सके। और नायलॉन की भारी रस्सी और पैराफिन वाले, जो इसने कहा है कि नायलॉन की जो हैवी नायलॉन की जो रस्सी होती है और 22 लीटर्स जो प्लास्टिक के बैरल्स के जो है लीटर वाले ड्रमों से जो है काम चलाऊ लंगर बनाकर, मतलब पैराफिन के जो ऑयल्स होते हैं आपने देखा होगा बड़े बड़े भारी से होते हैं, तो इसने कहा अगर वो काम नहीं दे रहा है तो इसके पास जो कुछ भी चीज़ है उसका लंगर बनाकर इसने ट्राई करना शुरू कर दिया, बनाकर जो है स्थिर रखने का उसने जो है डिसीजन लिया। द इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर। सो इसने जो है क्या किया कि इसके पास अब एंकर डालने के लिए तो कुछ था नहीं, तो इसके पास जो 22 लीटर प्लास्टिक के बैरल्स के जो पैराफिन ऑयल के जो ड्रम थे उसने उससे जो है मतलब बनाना जो है शुरू कर दिया, ताकि वो ड्रमों को जो है काम चलो लंगर बनाकर एक कंटिन्यूसली जो है बनाने का निश्चय किया। जबकि जहाज का सही सलामत वाला भाग जो राइट साइड वाला था हमारी और आती जो लहरें जो थी उनका सामना कर रही थी, बहुत ज़्यादा जान डेमेज पार्ट जो था। उसके बाद जो है मेरी और मैं, जो इसने कहा है बिल्कुल उस शाम मेरी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर, उस शाम मेरी और जो मैं हूँ दोनों जने जो है हाथ पकड़े हुए जो है क्या कर रहे थे, शिप का जो मोशन जो थे हाथ पकड़कर बैठे थे। जहाज के हिलने डुलने के दौरान टूटे हुए जो है पट्टों में से होकर ज़्यादातर पानी जो है अंदर आ रहा था, क्योंकि जो भाग टूटा हुआ जो था वहाँ से जो ब्रोकन प्लैंक्स जो थे, मतलब टूटा हुआ जो हिस्सा था वहाँ से पानी अंदर आ रहा था। हम दोनों ने फील किया कि अब हमारा जो अंत है वो क्या है, पास में ही, मतलब मौत हमारी जो है नज़दीक ही है। बट वेव वॉकर rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant back in the chart room I worked on wind speeds iske baad lekin wave aakar tufano ko kya ho gaya jhel gaya theek hai matlab usne tufano mein bhi jo hai wo continuously chalta raha aur iske baad 6 january subah tak jab hawa dheemi pad gayi तो मतलब जब हवा जो थोड़ी इजी हो गई तो मैंने जो है सेक्सेंट को पढ़ना शुरू किया, मतलब रीडिंग जो होती है पाठ्यांक जो होता है उसे पढ़ना शुरू किया। और चार्ट रूम में जाकर मैंने जो है अपनी कंडीशन का पता लगाने के लिए जो है हवा की स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट्स टू कैलकुलेट आवर पोजिशन द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट We were somewhere in 150,000 kilometers of oceans looking for a 65 kilometers wide island. So, जब मैं हवाओं की स्पीड के तेज के बारे में जब पता कर रहा था कि मतलब हवा में जो चेंजेस आ रहा है, डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहा है, भटकाव और जो है जो कोशिश हो रही है कि भी हम हो सकता है कि जो पर्टिकुलरली हम जिस कंडीशन में चल रहे हैं आगे जाके जो है हमारे कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जब वो कर रहा था तो डिटरमाइन जब हो रहा था तो उसने पाया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है कर सका, पता लगा सका कि हम ओशियन में जो है 150,000 किलोमीटर जो है ओशियन के अंदर थे और 65 किलोमीटर जो है वो वाइड आइलैंड को जो है तलाश रहे थे। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग painfully joined me the left side of her head was now very swollen and her beacon eyes narrowed to slits she gave me a card she had made uske baad jab main ye sab soch raha tha su dard mein chalte hue jo hai mere paas aayi aur left side mein jo uske sir ka jo left side hissa tha bahut zyada sujha hua tha aur uski aankhein jo hai kali pad gayi thi matlab aankhein jo hai sikud kar darar ho gayi slit matlab दरार हो गई थी, आँखें जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी सूजने से। और उसने मुझे एक कार्ड बनाया दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स
of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Inside was message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. उसके बाद कार्ड का जो मेन हिस्सा जो था, मेन जो पृष्ठ जो था, उस पर जो है एक कैरिकेचर्स बना था, मतलब व्यंग्य करना जिसे कहते हैं, तो मेरी और मेरा जो है उस पर व्यंग्य बना हुआ था और उस पर कुछ लिखा था, और वो कुछ हंसी मजाक का एक पर्सन है, या कहा जाए उन पर्सनों के जो है पर्सन को हंसाया, कि इन जो है चीज़ों ने उनको जो है आपको हंसाया, मतलब उसमें फ़नी चीज़ लिखी हुई थी, तो उनको देख के जो है आप भी मुस्कुराए इस तरीके से। तो मेरा मकसद यही था, मैं भी बहुत हंसी थी। कार्ड के अंदर जो है एक मैसेज जो था वो क्या था कि मैं जो है आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, और ये कार्ड जो है आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए है, और हम उम्मीद करते हैं अच्छी से अच्छी कि अच्छा हो, और कैसे भी हम इन चीज़ों से जो है उभर जाएं। मैं कि मतलब यहाँ उभरने से है, तो इनके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये सोच रहे हैं कभी भी मर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है उम्मीद रखना सबसे बड़ी बात होती है। आई चेक्ड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टरली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। अब जब उन्होंने बोल दिया भी हमें इन सब चीज़ों से जो है क्या है उभरना है, सो मैंने अपनी जो है चेकिंग को बार बार, मतलब अपनी जो कैलकुलेशन थी उसकी बार बार चेकिंग कर रहा था, फिर चेक कर रहा था, फिर चेक कर रहा था, और अब हम जो है मेन जो उनका जो डायरेक्शन वाला जो था कंपास जो था दिशा सूचक जिसे कहते हैं यंत्र को खो चुके थे, और मैं अब जो है इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा जो स्पेयर वाला जो यूज है उसे जो है काम में ले रहा था, जिसे मैग्नेटिक जो है कोण जिसे कहते हैं चेंजेस किया जो है नहीं किया गया था, ठीक है, मतलब सिर्फ उतने यूज कर सकता था जितना है, लेकिन उसमें जो है मैग्नेटिक वेरिएशन था। मैंने जो है इस बात का ख्याल रखा कि जो हिंद महासागर जिसे कहते थे इंडियन ओशियन जो है कि इस भाग में बहने वाली जो है जो वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्ली मतलब जो पश्चिमी प्रभाव जो होते हैं उनसे जो है अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लेरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 degrees इफ वी वर लकी। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिडंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। इसके बाद लमसम दोपहर के 2 बजे में डेक पर गया। लेरी से जो है जहाज को मैंने कहा 85 degrees की दिशा में जो है चलाने के लिए कहा, कि मतलब स्टीर जो है लेरी को कहा कि तुम जो है 85 degrees में चलाओ, अगर हम लकी रहे, अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा तो उसे इस पर जो है यकीन जो है साथ कहा, जिसे मैं खुद भी महसूस नहीं कर रहा था कि लमसम जो है वो 5 बजे टापू को देखने की उम्मीद कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद कर सकते थे, जैसी उनकी कंडीशन थी उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते थे। सो ये उम्मीद कर रहा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं बचने के लिए, जो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान की मौत आती है तो इंसान वो हर चीज़ ट्राई करता है जो वो कभी ट्राई नहीं करता है। तो इसने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं शायद 5 बजे तक जो है आइलैंड हमें नज़र आ जाए। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। व्हेन आई वॉक अप इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। इसके बाद मैं जो है क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वो थका हुआ था, मैं फिर भारी मन से जो है नीचे चला गया, मतलब आराम करने के लिए वो जो है हैवी हार्ट से नीचे चला गया। उसके बाद अमेजिंगली कि उससे क्या आ गई, नींद आ गई, ठीक है, मतलब सीट पर जब वो चढ़ा, और आश्चर्य की बात यह है कि मैं सो गया, और जब मैं जागा तो शाम के जो है कितने बज गए थे, 6 बज गए थे, और अंधेरा जो है हो चुका था। मुझे पता था कि जो है हमें टापू नहीं मिला होगा, ठीक है, मतलब वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आइलैंड का, तो कह रहा हमने आइलैंड जो है मिस कर दिया, हमें वो आइलैंड नहीं मिला, और हमने जो है सेल जो कहा जाए पालों के साथ हम चले थे उन वेस्टर्ली हवाओं के अगेंस्ट चलकर लौटने की उम्मीद हम नहीं कर सकते, मतलब हमने मिस कर दिया उसे, तो हम अब वापस उसी जगह जाना इम्पॉसिबल था कि हम उन हवाओं के अगेंस्ट, वेस्टर्ली जो विंड थी उनके हवाओं के अगेंस्ट जा सके। एट दैट मोमेंट ए टर्सल हेड अपियर्ड माई
By my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I'm afraid. Why you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. इसके बाद उसी पल जिन्होंने कहा जब उस पल एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर जो है मेरी जो है मतलब सीट के पास दिखाई दिया, क्या मैं आपसे जो है गले मिल सकता हूँ? किसने कहा? जॉनथन ने। जॉनथन ने कहा जब वो अपनी आराम फरमाने वाली जो टॉशल हेड अपीयर मतलब एक पूरा जो बाल मतलब जब हम नींद से उठते हैं तो अक्सर हमारे बाल अस्त व्यस्त होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो उसकी सीट पे बंक की तरफ जो नज़र आया तो उसने कहा मैं आपको हग कर सकता हूँ, जॉनथन ने कहा। और सू जस्ट उसके जो है पीछे थी। इस वक्त मुझे गले क्यों मिला जा रहा है, मैंने पूछा। तो उसने कहा आप दुनिया के सबसे बेस्ट जो है पापा हो और दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन हो, मेरे बेटे ने कहा। लेकिन आज नहीं हूँ, मैंने जॉन से डरते हुए कहा। आज मैं जो है अच्छा पिता या कैप्टन नहीं हूँ। क्यों नहीं है आप? बिल्कुल है, सू ने भी ऐसा कहा बिल्कुल तेज आवाज के साथ एकदम मतलब इमोशनली। जब आपने देखा हो जब हम अक्सर कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ चौक्ड हो जाती है रोने से, तो उस मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आवाज़ में कहा बिल्कुल आप ऐसे हो, तुमने टापू जो है ढूंढ लिया क्या? मैं चिल्लाया। और यहाँ वहाँ ठीक हमारे सामने है, वे साथ बोले। एक जित कहा जाए जैसे एक बहुत बड़ा जो बैटल शिप जो होता है इतना बड़ा जो है आइलैंड था। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. मैं डेक पर दौड़ा और उसके बाद जो है Isle Amsterdam की जो है clearly जो है उसकी जो बाहर की outlook जो थी उसको जो है निहारा। ये जो है एक वॉल्केनिक जो है पीक जो था मतलब एक ज्वालामुखी से पैदा होने वाली जो चट्टान होता है उसका जो है मतलब असुहाना जिसे कहा था मतलब तक लुक नहीं लगता। जैसे वॉल्केनिक जो रॉक होती है ज्वालामुखी की चट्टान तो कितनी बिखरी बिखरी सी लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वैसा जो है पीस का टुकड़ा था और उस पर जो है जिस पर कोई भी हरियाली नहीं थी, वेजिटेशन मतलब हल्की फुल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। ये दुनिया का सबसे जो है खूबसूरत जो है क्या है? टापू है। क्यों है? अगर आपकी जिस चीज़ से जान बच जाए, चाहे वो कहा जाता है ना तिनके का सहारा ही बहुत होता है डूबने वालों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर इनको इतना बड़ा आइलैंड दिख गया तो बोलिए चाहे कैसा भी हो लेकिन दुनिया का ये सबसे क्या है? खूबसूरत आइलैंड है। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore with land under my feet again. My thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary who stayed at the wheel all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. So, जब जमीन पर एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे जमीन आ गई, ठीक है, जब उसने फील किया, सबसे पहले तो उसने जो है उस रात हमने किनारे के पास समुद्र में जो है क्या कर दिया, लंगर डाल लिया। अगले ही मॉर्निंग जो है 28 जो निवासी जो थे वहाँ पर खुश होकर हमारा वेलकम कर रहे थे। जो वहाँ पर जो पर्सन रहा करते थे वो जो है 28 पर्सन थे, उन्होंने आइलैंड में जो है बहुत चेयर के साथ उनका वेलकम किया। जब ज़मीन एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे आई तो मैं लैरी और हर्बी के साथ ये सोच रहा था, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रेस में भी खुश और उम्मीद बने रहे वो मेरी के बारे में सोच रहा था, ठीक है। सो लैरी और हर्बी जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है इस मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर भी जो है उम्मीद से भरे हुए नज़र आए और मैं जो है मेरी के बारे में सोच रहा था जिसने जो है जो उन सभी नाजुक घंटों में जो है
व्हील के साथ बनी रही, मतलब जो उनके क्रूसियल आर्स थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक पल जो थे उस वक्त, उन्होंने उस व्हील को जो है मेरी ने थाम रखा था। सबसे ज़्यादा मैं जो है 7 ईयर्स उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो अपने जो है सिर पर जो है बहुत बड़ी जो चोट लगी थी, सिर की चोट के बारे में बताकर हमें टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। तो उसकी जो स्किन जो थी उसको जो है स्कल और स्किन के बीच में जो है बार बार बनने वाले खून के थक्कों को हटाने के लिए बाद में उसे जो है 6 ऑपरेशन करवाने पड़े, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 साल का जो उसका बेटा जो था वो सोच रहा था कि उसे जो है मौत से का डर बिल्कुल भी नहीं था। सो जो इसकी पूरी फैमिली जो थी, जिस तरीके से उन्होंने कैप टाउन का वगैरह का सारा जितना भी जो है तामझाम किया है जर्नी पे जो गए हैं कैप टाउन से, सो जो भी इन्होंने जर्नी में किया है ये बिल्कुल जो है डरे हुए बिना किया है कि किस तरीके से हम ऐसी सिचुएशन में जो है रह सकते हैं। एक्चुअली जो चैप्टर है वो ये है कि हम मुसीबत के पलों में किस तरीके से जो है हिम्मत के साथ लड़ सकते हैं, जर सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी उम्मीद रखें और अपना दिमाग एक्टिव रखें और हार नहीं माने, हमेशा उम्मीद रखें तो ज़िंदगी जो है हम जी सकते हैं। सो समरी ऑफ द चैप्टर, नरेटर और उसकी जो फैमिली है, उसकी डॉटर, वाइफ, सन डिसाइड करते हैं कि वो सी वोयाज के जो है जाएंगे। दुनिया की शेयर करने के लिए वो जो है जो ट्रैवलिंग होती है समुद्री यात्रा करने का वो जो है डिसीजन लेते हैं। और वो एक 37 ईयर्स का जो है एक मर्चेंट जो था, व्यापारी था, और उसका जो सन जो था जॉनथन वो 6 साल का था, उसकी बेटी सुजैन 7 साल की थी, और अपने खाली वक्त में जो है खुद को मतलब नाव चलाने की जो है स्पेशली जो थिंकिंग जो थी उसको जो है उसने अपने आप को तैयार किया था। मतलब जब भी खाली वक्त मिलता था तो ये जो है नाव के बारे में जो है उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेट करते थे कि किस तरीके से ये तूफानों में चल सकती है, किस तरीके से क्या हो सकता है, कौन सी सिचुएशन आ सकती है। तो इन्होंने जब दुनिया का चक्कर लगाने के लिए तैयारी की तो जब भी खाली वक्त मिलता था तो ये उसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेट किया करते थे। तो यात्रा का जो सबसे पहला जो पड़ाव जो था वो आराम से गुजर गया। रास्ते में उन्होंने अपने साथ जो है 2 पर्सन लिए उन्होंने अपनी लाइफ जाने के लिए, ठीक है। सो लेजर में जब भी उन्होंने सेलिंग स्किल के बारे में किए तो ऑन द वे उन्होंने जो है 2 पर्सन जो लिए, क्रू मैन जो थे जिनका नाम था लैरी वर्जिल जो अमेरिकन था, हर्ब सिगलर जो स्विट्जरलैंड से था, और वो जो है मतलब जो साउथर्न इंडियन ओशियन है जो दुनिया का सबसे जो है कठिन जो है माना जाता है, वहाँ पर अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उनका साथ देंगे। केप टाउन छोड़ने के बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है उन्हें हवाओं का सामना करना पड़ा। 15 मीटर्स जो है ऊंची लहरें उन्हें जो है टेंशन में डाल रही थी। 25 दिसंबर को जब वो केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पर थे, मौसम में कोई भी सुधार नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुशी के साथ जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। मौसम और बिगड़ता गया, जब न्यू ईयर का दिन आया तो उन्हें उम्मीद थी कि मौसम जो है सुधार होगा। मौसम सुधार तो हुआ लेकिन खराब से बदतर हो गया और मौसम और बिगड़ गया। अब उनका जो मुकाबला करने के लिए उन्हें सारी तैयारियां कर ली, उन्होंने अपने जो बड़े पाल आगे वाला जो जीभ है, छोटे पाल जो वगैरह है, त्रिपाल है, स्टर्न है, लूप है, मोरिंग रोटियां है, मतलब जो मोटी रस्सियां होती हैं अंगर डालने के लिए जो होती है, वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं, लाइफ जैकेट जो होती है, लाइफ लाइन होती है, उन्होंने सब पहन लिए। और उन्होंने जो है जहाज़ का एक बहुत बड़ी लहर ने टक्कर मार दी, जहाज बुरी तरीके से जो है क्या हो गया, डैमेज हो गया, और ऑथर की जो पसलियां जो थी वो चोट आ गई, दांत टूट गए, खून आने लग गया, और उसकी जो बेटी जो थी वो बुरी तरीके से घायल हो गई, और एक बहुत ही बुरी कंडीशन में वो लोग फंस गए। उन्होंने सोचा अब जो है उनका मौत जो है वो नज़दीक है, लेकिन ऑथर और उसकी फैमिली मौत के सामने भी बिल्कुल पीसफुली जो है रहे और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसका 6 साल का बेटे ने कहा अगर वे सब लोग साथ हो तो उसे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। उसकी बेटी अपनी चोटों के बारे में बताकर उसे टेंशन नहीं करना चाहती थी। इन सब ने जो है ऑथर को और एक हिम्मत वाला बना दिया, और उसके बाद लास्ट में उसके पास जो कुछ भी था उसी के साथ उसने जो है समुद्र से लड़ने का फैसला किया, और लास्ट में जो है हिम्मत और पेशेंस के साथ काम आए और समुद्र में उन्हें एक छोटा सा जो है टापू मिल गया, आइल एम्स्टर्डम, और फाइनली वो जो है उस मौत से जो है टकरा कर और आंखें दिखा कर जो है बसते हुए उम्मीद के साथ वहां से बच निकले।
सो ये लाइफ का है। अगर हम बात करें, ये चैप्टर हमें काफ़ी कुछ सिखाता है कि हमें हमेशा जब कभी भी अगर मुसीबत आए लाइफ के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी की लाइफ में अपनी अपनी लेवल की जो है प्रॉब्लम्स हुआ करती है। तो बजाय प्रॉब्लम से भागने के हमें हमेशा उसका जो है सामना करना चाहिए, वो भी विद पेशेंस, मतलब बिल्कुल शांति के साथ सोच समझ कर। गुस्सा करने से, हाइपर होने से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि हमारा दिमाग और ख़राब हो जाता है और हम उसको जो है बजाय अच्छा करने के बुरा कर पड़ते हैं। तो हमें हमेशा उम्मीद वाला होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों में भी हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ पर ही सब कुछ होता है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज़। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाज पाठशाला। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट एज वेल एज इंस्टाग्राम।